अस्सलामुअलैकुम, मैं आप तमाम यूट्यूब व्यूवर्स को अपने चैनल एडुकर में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मैथ एमसीक्यूज की क्लास नंबर 7 डिस्कस करूँगा, तो आए चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, द टोटल मंथली सैलरी ऑफ 4 मैन एंड 2 वूमेन इज 46,000 इफ वूमेन अर्न्स 500 मोर देन अ मैन, व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ अ वूमेन। तो सवाल में हमें कुछ इस तरह से दिया गया कि 4 आदमी और 2 औरतों की जो तनख्वाह है कुल मिलाकर वो 46,000 है। औरत जो है 500 ज़्यादा कमाती है आदमी से, व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ अ वूमेन, आपने औरत की सैलरी बतानी है। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशन का भी आपको पता होना चाहिए और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए। तो चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। आपने लेट कर लेना है, जो आदमी की सैलरी है वो है वुमेन से 500 लेस, और जो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, और जो वुमेन की सैलरी है वो आदमी से 500 ज़्यादा है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। एक आदमी की सैलरी एक औरत से 500 कम है, और एक औरत की जो सैलरी है वो मर्द से 500 ज़्यादा है। अब इक्वेशन में एक अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है, 4 आदमी और 2 औरतों की कुल मिला के तनख्वाह 46,000 है। अच्छा, 4 आदमी जमा 2 औरतों की जो पे है वो हमारे पास 46,000 बनती है, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा था आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए। देखें, मेरे पास 4 आदमी थे, 4 आदमियों की पे थी। देखें, m प्लस m प्लस m प्लस m, ये 4 आदमियों की पे थी। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये मेरे पास एब्सोल्युटली 4m बनेगा। अब ये आपको जब जमा करने आएंगी, जब आप रीड तो कर लेते हैं, फिर आपको इस जो स्टेटमेंट दी गई इससे अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनानी है, ये आपको तभी आएंगी जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक टर्म्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, तभी आप ये कर सकेंगे। बहरहाल, आपको अलजेब्रिक इक्वेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा चलें, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने वुमेन की पे मालूम करनी है और आदमी की पे मुझे दी गई है, तो आदमी की जो पे है मैं यहाँ से लेकर इसमें डाल दूँगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 है वो आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो चलें इसको करते हैं। 4 आप m की जगह पर क्या लिखेंगे, w माइनस 500 प्लस 2w इज इक्वल टू 46,000। अब आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4w माइनस 2000 प्लस 2w इज इक्वल टू 46,000। अच्छा, तो व्यूअर्स अब हम ये देखें, ये 2w और 4w को मैंने ऐड कर दिया आपस में, ये 6w हो गए, माइनस 2000 इज इक्वल टू 46,000। अब 6w वैसे रहेगा। अब इक्वेशन को हमने बैलेंस रखना होता है, तो आपको पता होगा कि जो काम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर किया जाता है वही काम इक्वेशन की राइट साइड पर किया जाता है। देखें, ये इससे गया, और सॉरी ये मैंने लिखना भूल गया। अब देखें, ये प्लस 2000 मैंने इधर लिखा था, तो प्लस 2000 इधर भी लिखूंगा। ये इक्वेशन का रूल है, जो काम आप लेफ्ट पे करते हैं वही काम आपको राइट पे करना पड़ता है। बराबर, तो इनको जब ऐड किया तो ये 48,000 आ गया और ये 6w आ गया। अच्छा, अब देखें, 6w वैसे का वैसे लिखा रह गया, 48,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें, 6 को मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा हूँ, 6 को मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा हूँ। जो काम मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ वही काम मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ। ये 6 इससे गया। अब 48,000 को आपने 6 पे डिवाइड करना, तो क्या आता है, ये बहुत आसान है, यहाँ पर 8 आ जाता है, यहाँ पर 3 सिफरें आ जाएंगी। w इज इक्वल टू 8,000, औरत की जो पे है वो 8,000 है। अब देखें, ये मेरे सवाल में जो ऑप्शंस दी गई थी वो 5000 थी, 6000 था, 8000 थी और 9000 था, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ शाद रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।